गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय श्री राम। सुप्रभात। सुबह के 7 बज रहे हैं और एक और दिन का शुरुआत बरसात के साथ। लगभग मैं जब से उठा हूँ लगभग 5:30 बजे से उठा हुआ हूँ, 5:30 बजे से लगातार बरसात हो रही है और अच्छी खासी बरसात हो रही है। और वैसा ही मौसम है, आज भी बादल दिख नहीं रहा है। तो मैंने जैसा बोला था कि कभी कभी ऐसा होता है कि 2-3 दिन बरसात होने लगता है तो कंटिन्यू बरसात होता है, तो अच्छी बात है। इस मौसम का मज़ा उठाइए। अगर आप पटना से हैं तो आप बताएं आप कहाँ से हैं, आप और आपके एरिया में बरसात हो रही है या नहीं हो रही, क्योंकि मौसम तो बहुत मस्त दिए हुए। गर्मी से राहत नेचुरली यही एक तरीका है मिलता है जब, लेकिन बरसात कुछ नुकसान भी बहुत कर रहा है मेरा न्यू वाले घर पे। पर क्या कर सकते हैं। खैर, मैं चला ब्रश वगैरह करने। मिलते हैं फिर आगे के ब्लॉग में। बरसात रुक चुकी है, लगभग 10-11 बजे तक अच्छी खासी बारिश हुई है। तो मैं चला घूमने थोड़ा मौसम का मज़ा उठाने, लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही ना, अभी मैं पीटर इंग्लैंड का टी शर्ट पहना हुआ हूँ तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये पीटर इंग्लैंड नाम रखा क्यों। आखिर ये कंपनी इंडियन है, पीटर इंग्लैंड नाम से लगता है कि इंग्लैंड का कंपनी, लेकिन ये कंपनी आदित्य बिरला की है जो इंडियन है। मुझे ये समझ नहीं आता आदित्य बिरला के कंपनी ने जिसने भी ये नाम रखा है, मतलब ऑनर इंडियन तो फिर इंग्लैंड के नाम पर रखा, पर मुझे ये समझ नहीं आता इसके कौन से नजायज औलाद है जो पीटर है और जो इंग्लैंड में रहता है जिसके नाम पर इसने ये ब्रांड खोला है। खैर, ऐसा क्लोथिंग ब्रांड बहुत बढ़िया है, बहुत ही कंफर्टेबल रहता है, इसका शर्ट हो या टी शर्ट हो जो भी हो। खैर, मैं चला, मिलता है फिर आगे। ज़्यादा देर के लिए मैं तुरंत घूम घाम के ऐसे ही टाइम पास करके, क्योंकि घर में बैठे बैठे भी बोरियत हो जाती है, इसीलिए घूम के आते हैं। आसमान देख के तो यही लग रहा है कि बारिश फिर से होगी, काले काले बादल सिर्फ नजर आ रहा है। अब जोर की बारिश ना हो जाए, अटक जाएंगे हम लोग बीच में। ये देखो साधु बाबा आ रहे, साधु बाबा पकड़ के मारेंगे तो ये लोग तुमको। देखो क्या होता है, बाकी इनसे बच के रहना, मेरी एडवाइस मानते रहना बस, जिंदगी में बहुत ऊपर जाओगे। जैसे जैसे हमारी गाड़ी आगे बढ़ते जा रही है वैसे वैसे बादल कहीं पीछे छूटते चले जा रहे हैं। हमारे साइड बादल बहुत ही ज्यादा थी, अब जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं बादल कम होते जा रहे हैं। अभी आसमान में काले काले बादल हैं और आगे बादल ही नहीं दिख रहे, लेकिन मजा आ रहा है इस मौसम में बाइक पे। खास ऐसा ही हर दिन होता है। और ये पटना मेट्रो खोद रहे हैं कि रोड की क्या कहा जाए। जैसा मैंने प्रेडिक्ट किया था कि बारिश फिर से होगा, 1 घंटा के अंदर बारिश होने स्टार्ट हो गया। अब ये बारिश कितना देर रुकता है ये देखना, क्योंकि जिधर से हम लोग आ रहे हैं उधर ना बादल था ना बारिश हो रहा था। जैसे ही हमने इधर इंटर किया बारिश स्टार्ट हो गया, देख रहे काला काला बादल है सर। अब लग रहा है कि प्रॉपर बरसात आया हुआ है। उधर कुछ दिन ऐसा लग रहा था कि अब कब बारिश होगा, अब प्रॉपर बरसात आ चुका है। ये दूसरा दिन और सारा दिन बरसात हुआ है। मतलब बरसात में अगर आप ना ऑफिस जाते हो, स्टूडेंट हो और घर पर रहते हो तो मजे ही मजे, कुछ नहीं करने, खाओ पियो सो जाओ, खाओ पियो सो जाओ और इस मौसम को एंजॉय करो। अजीब दास्ता है ये गाना इसलिए गा रहा हूँ ना कि कब क्या हो या कुछ पता नहीं है ना, आप गेस कर सकते हो और ना हम, ना प्रेडिक्ट कर सकते हो और ना ही हम।
ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ ना कि कुछ प्लानिंग्स था मेरा कुछ करने का, और अचानक बीच में तबीयत खराब हुआ, कांड हुआ। तबीयत खराब होने के वजह से इतने ज़्यादा एनर्जी लो हो चुका था कि एक वीक तक मैं घर से निकला भी नहीं, मन ही नहीं कर रहा था निकलने का। और उधर पूरा 1-1.5 महीना तो पूरा मेरा बिजी रहा, तो तबीयत खराब होना लाजमी तो हो भी गया था। एक्सीडेंट हो चुका था, रेस्ट नहीं मिल रहा था पैर का, तो मैंने सोचा कुछ दिन रेस्ट कर लेते। और इस बीच में जो बारिश चालू हुआ है वो कंटिन्यू चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। और जब बाहर जाने का वक्त होता है मेरा तभी, और 2 दिन से तो दिन में पूरा बारिश ही हो रहा है। और कल भी प्रेडिक्शन आया है, फोरकास्ट आया है कि 80% संभावना है बारिश होगी। तो देखते हैं, कल लगभग 8 बजे 9 बजे तक नहीं हो तो निकलेंगे, और अगर कम हो तो निकल के देखेंगे। अगर काम वगैरह हो जाए, कंप्लीट हो जाए, अधूरा है अब शायद अटक जाएगा काम, तो देखा जाएगा क्या है कैसे है। और देखते हैं अब कल, वैसे सब चीज़ बढ़िया ही है। बारिश भी हो रहा है तो बढ़िया ही हो रहा है, क्योंकि गर्मी कम लग रही है, टेम्परेचर कम हुआ है, लगभग 30 डिग्री 32 डिग्री, जहाँ 45-46 रहता था ना, तो लगभग समझ लो 1/3 भाग टेम्परेचर कम हो चुका है। तो मौसम तो मस्त रह रहा है, लेकिन हाँ, फार्मर्स के लिए भी बहुत बढ़िया है, होना चाहिए था बरसात फार्मर्स के लिए, क्योंकि खेती का समय चल रहा है। और ज़मीन से पानी निकाल निकाल के मोटर से आप खेती नहीं कर सकते जब तक रेन वाटर नहीं हो, तो ये भी बहुत ज़रूरी है बरसात होना खेती के लिए भी। तो सही है, मिलते हैं फिर हम लोग आगे कल के ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू टुमारो।